इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो टॉप 10 के अंदर है कि टॉप 10 के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं, जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो देखिए, पहले है हमारा 104 PF। दोस्तों, मैं ये सारे कंपोनेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कंपोनेंट आपने जरूर कभी ना कभी अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगाए होंगे। दूसरे नंबर पे हमारा देखिए ये आ जाता है डाइबोर्ड 4007, ये भी आपने जरूर कभी ना कभी कंपोनेंट यूज करा होगा। फिर आ जाता है हमारा ये कंडेंसर, तो देखिए कंडेंसर भी आपने कोई ना कोई सा जरूर यूज करा होगा कभी ना कभी, तो ये भी हमारा इस लिस्ट के अंदर है। और दूसरा हमारा ये आ जाता है फिर इसके अंदर 7805 IC, जो हमारी 5 वोल्ट देती है। ये IC भी आपने कभी ना कभी देखी होगी या यूज करी होगी। और फिर आ जाती है दोस्तों हमारी ये रिले, देखिए 5 वोल्ट की रिले है और ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में कभी ना कभी यूज हुई होगी। और आगे देखिए इसके अंदर ये आ जाते हैं हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर, तो ये भी आपने कभी ना कभी यूज करे ही होंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट अगर आपने कभी भी यूज करा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर आ जाती है दोस्तों हमारी हीट सिंक, तो ये हीट सिंक भी दोस्तों हमारी कभी ना कभी यूज करी ही होगी आपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। फिर होती है दोस्तों हमारी 10K रेजिस्टेंस, 10K और 1K रेजिस्टेंस, ये दोस्तों दो रेजिस्टेंस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर यूज होती है। और दूसरा दोस्तों ये है देखिए मोटर भी आपने जरूर कभी ना कभी किसी कार के अंदर या कोई रोबोटिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसके अंदर जरूर देखी होगी। और दोस्तों सबसे लास्ट के अंदर आ जाता है हमारा ये ट्रांजिस्टर भी आपने किसी ना किसी सर्किट के अंदर जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन जरूर दबाना।